नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा ट्राइडेंट लिमिटेड और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। अब रिसेंटली ये दोनों स्टॉक्स काफी ज्यादा चर्चा में रहे, तो मैंने इनके ऊपर दो वीडियोस भी बनाए थे। ट्राइडेंट लिमिटेड पे एक न्यूज अपडेट था, उसको भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो में कवर किया था। बट स्टिल सम ऑफ द पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट अ वीडियो रिलेटेड टू अपडेट ऑफ बोथ दी स्टॉक्स, क्योंकि अभी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। ऊर्जा ग्लोबल में स्पेशली देर इज अ नेगेटिव मूवमेंट, तो मेरे को लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। सो टुडे वी विल कवर बोथ दिस स्टॉक्स, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड द वीडियो। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट विल टॉक अबाउट ट्राइडेंट लिमिटेड। सो एज वी नो ट्राइडेंट लिमिटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इफ वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर। ट्राइडेंट लिमिटेड इज हैविंग अ वेरी गुड प्रेजेंस outside India also, they are having very good business. Third thing is, recently, as you know, that company has been given one patent by European Patent Office. देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी पेटेंट के लिए अप्लाई कर रही है, उसको पेटेंट मिल रहा है, सो इट शोज दैट कंपनी इज स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर, दिस इज अ रियली वेरी पॉजिटिव न्यूज। और ये पॉजिटिविटी हमें दिखती भी है अगर हम स्टॉक के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएं या डेटा के ऊपर जाएं। सो दिस इज द डेटा ऑफ लास्ट ट्रेडिंग सेशन, 1.68% का अपमूव था स्टॉक्स में। लेकिन जो ज्यादा पॉजिटिव बात यह है कि 45 से ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज है। तो अगर 45 से ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज है, ये सीधा-सीधा ये दर्शाता है कि जो लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बहुत ज्यादा रीजन है, बहुत सारे रीजन है, कुछ रीजन मैं आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ द रीजन इन दिस वीडियो। तो पहला रीजन है कि कंपनी की मार्केट कैप बहुत ऐसा नहीं है कि कंपनी इज अ माइक्रो कैप कंपनी और कंपनी की जो मार्केट कैप इतनी कम है जिसके लिए हमें बहुत फिक्र करने की जरूरत है। कंपनी की मार्केट कैप आप कह सकते हैं कि इट इज गुड, 7720 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। वैल्यूएशंस कंपनी की आप देख सकते हैं कि फेयर है, 28.7 का पी रेशियो है, बुक वैल्यू 6.29 है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि 2.38% का डिविडेंड यील्ड है। तो अगर डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल गेन के साथ साथ अगर आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, सो इट इज अ चेरी ऑन द केक। उसके बाद अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं जरूर कंपनी का स्टॉक वॉलेटाइल है, जो जनरली हमें जनरली इट इज एक्सपेक्टेड विद सच काइंड ऑफ कंपनी, विद लाइक वी आर डिस्कसिंग अ कंपनी विच इज स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप कंपनी में जनरली हम लोग इस टाइप की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी पॉजिटिव बात है वो ये है कि अभी जो कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, उसमें कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर दोबारा अपने जो है नेट प्रॉफिट को बढ़ाया। तो अगर कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर भी इस टाइप के कोरोना के एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, सो दैट इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट। उसके अलावा अगर ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही थी। अब अगर 18-19 की बात करें, 2020 में जरूर प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड इट इज बीन इफेक्टेड। लेकिन अगर रिजर्व्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इट्स रिजर्व्स। तो ये सारे फैक्टर अगर देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर स्टॉक के प्राइस की भी बात करें पिछले 5 दिनों में, तो स्टॉक इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। लेकिन अब यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए स्टॉक में अभी रिसेंटली काफी अच्छा अपमूव हो चुका है, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के पॉजिटिव हैं, बट मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट इस स्टॉक में अभी एट दिस पॉइंट इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इस टाइप की जो कंपनी है, जो स्मॉल कैप कंपनी है जिनके स्टॉक का प्राइस काफी कम है, जिसमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है, डेफिनेटली हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा कि ट्रेडिंग वाज नॉट मच, डिलीवरी वाज मोर। लेकिन इस टाइप के स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो मेरा ये सजेशन है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है, फर्स्ट यू टेक योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आउट, और फिर आप उसमें सिर्फ प्रॉफिट में और थोड़ा बहुत कैपिटल अमाउंट में ट्रेड करें, ताकि अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट भी होती है तो आपका कैपिटल सेव रहे और प्रॉफिट डेफिनेटली आपको ज्यादा भी मिल सकता है, कम होगा तो आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। तो डेफिनेटली इस टाइप के स्टॉक में ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू सेव योर कैपिटल।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। तो ऊर्जा ग्लोबल का अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमने पहले भी डिस्कस किया है कंपनी का, तो प्रोडक्ट कंपनी का अच्छे हैं। ऐसे नहीं है कि कंपनी प्रोडक्ट अच्छे नहीं बना रही, काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं। सोलर पैनल बनाती है कंपनी, एलईडी लाइट बनाती है, वाटर हीटर, दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज। तो अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें कंपनी का अच्छा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं लोअर सर्किट था, उसके अलावा डिलीवरी क्वांटिटी बिकॉज इट वॉज लोअर सर्किट सो देर इज नो मीनिंग टू सी दैट डेटा। कंपनी के बारे में जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, मार्केट कैप कंपनी का कम होने से अगर डेफिनेटली अगर कुछ भी कंपनी की मैनेजमेंट में या फाइनेंशियली कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इट इम्पैक्ट्स कंपनी वेरी बैडली एंड इट टेक्स टाइम टू रिकवर। तो मार्केट कैप 421 करोड़ का है, स्टॉक का पी अभी बहुत हाई है, डिविडेंड यील्ड यू कैन सी दैट इट इज जीरो। अगर चार्ट की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है चार्ट की। जैसे कि हमने ट्राइडेंट में देखा था कि इट वाज द फेयर, बट हियर वी कैन सी दैट इट इज वेरी वोलेटाइल। आप देख सकते हैं कि 2010 में जरूर 16 रुपए का स्टॉक था, लेकिन 2010 के बाद स्टिल वी हैव नॉट अचीव्ड दैट लेवल। सो दिस इज नेगेटिव न्यूज अबाउट दिस स्टॉक। उसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करें ईयर टू ईयर बेसिस पे भी, तो आप देख सकते हैं कि net profit is very less. So this is also one of the parameter which you have to consider about this company. Again, अगर हम लोग पिछले 5 दिनों की बात करें तो continuously company के stock में lower circuit लग रहा है. So this is another concerning factor about this company. लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि जब भी आप इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएं, जैसा कि हमने अभी ट्राइडेंट में भी डिस्कस किया, तो पहले अपनी कैपिटल सेव करें, प्रॉफिट में ट्रेड करें। मेरा ये बिल्कुल रिकमेंडेशन रहता है कि इस टाइप की कंपनी से सबसे पहले आप कैपिटल सेव कर लें अपने पूरा, और उसके बाद जो प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट में आप लोग ट्रेड करते रहें, ताकि अगर उसमें आपको थोड़ा नुकसान भी हो तो आप उस नुकसान को टॉलरेट कर सकते हैं। तो स्टॉक में अभी यही है कि लोअर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन लेकिन जो मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के बारे में यह है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फिर भी कंपनी का ऐसा नहीं है बहुत बुरा है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट इसमें कर रखा है और जिनको थोड़ा बहुत अभी नुकसान हो रहा है, तो वो लोग बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता फिक्र करने की जरूरत है। फ्यूचर में आपको दोबारा मोमेंटम दिख सकता है स्टॉक में। सोलर पैनल कंपनी बना रही है और काफी ज्यादा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और ऑल्सो दे आर मेकिंग बैटरीज ऑल्सो। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो बिजनेस कंपनी का बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो नुकसान में शेयर को अभी ना निकालें, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। सो दोस्तों अगर इस डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड इज लुकिंग गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बात यह भी है कि स्टिल ट्राइडेंट इज अ स्मॉल कैप कंपनी, सो इट विल बी वॉलेटाइल, सो आपके इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम रहने चाहिए इस टाइप की कंपनी में। दूसरी बात ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्टॉक में कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है, मार्केट कैप डेफिनेटली कंपनी की कम है, तो वॉलेटिलिटी इसमें भी रहेगी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साइड से कंपनी पॉजिटिव है, बट स्टिल प्रॉफिट की साइड से देखें, फंडामेंटली देखें तो स्टॉक अभी भी काफी वीक लग रहा है। तो फ्यूचर में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। मार्केट अभी बहुत हाई लेवल्स पे है, हाई वैल्यूएशंस पे है, सो बिल्कुल इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी एक्शन प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो वॉज फॉर एजुकेशनल पर्पज। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय, वंदे मातरम। Thank you.